बच्चों बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चे YouTube के माध्यम से शेयर करते हैं कि सर हमारे पास CS Ececutive न्यू सिलेबस के लिए अच्छी किताब नहीं है, तो सर प्लीज़ आप हमारी इस बारे में मदद कीजिए। और हमने देखा है कि बहुत सारी जो क्लासेस के नोट्स हैं वो डायरेक्टली मॉड्यूल से कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मैं आपके लिए वीडियो बना के लेके आया हूँ। मैंने जो किताबें लिखी हैं, हमारी क्लास की जो किताबें हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड एंटिटीज एंड क्लोजर की बुक है, इसके मैं आपके साथ नोट्स एक बार थोड़े से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हमारे नोट्स कैसे हैं और क्या ये नोट्स सच में हेल्पफुल होंगे। बच्चों मैं बता दूं कि नोट्स पूरे मॉड्यूल को ही आधार मान के बनाए गए हैं, जैसे कि चैप्टर 1 चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे हमने थोड़े से बीच बीच में हिंदी के हमने कोट्स भी डाले हुए हैं। चार्ट्स वगैरह का यूज़ किया जहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी फाउंडेशन में कवर की है, तो चार्ट के माध्यम से हमने कवर किया है। उसके बाद एक चैप्टर खत्म होने के बाद चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम, क्योंकि बच्चे कई कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कैसे लिखना है, तो थोड़े से हमने क्वेश्चन आंसर डाले हुए हैं, तो आप एक क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। उसके बाद चैप्टर टू बेसिकली टाइप्स ऑफ कंपनीज है, तो इसमें हमने, क्योंकि इसमें निधि कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो मैंने उसको बहुत समराइज करके और बहुत अच्छे से पूरा कवर किया है मॉड्यूल का, आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन आंसर हैं किसी चैप्टर के। तो ओवरऑल हमने कोशिश की है बच्चों की काफ़ी अच्छी बुक बनाए, काफ़ी इंक्लूसिव बुक बनाए, आसान भाषा में बुक बनाए। तो ये SBEC की बुक है मेरी, देन यहाँ पे अगर जैसा आप देख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू कंपनी ऑफ अदर काइंड, सेक्शन कौन कौन से ये लागू होते हैं, प्लस कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल हमने लिखा हुआ है, उसके बाद हमने पूरी प्रोसीजर बताई हुई है। तो आखिरी के अगर अपन चैप्टर्स देख लें तो जैसे ये चैप्टर जो है ये डील करता है वाइंडिंग अप से रिलेटेड, एक मिनट बच्चों कौन सा चैप्टर है समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार ये चैप्टर देख लें, प्रोसीजर फॉर सेटिंग अप ऑफ कंपनी, ये आइडेंटिफाइंग लॉज एप्लीकेबल टू वेरियस कंपनीज, ये भी बहुत बच्चों बहुत खतरनाक टॉपिक है, मतलब ये सारे चैप्टर्स की समरी है। तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी कुछ लिखने की कोशिश की है, कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। उसके बाद आप अलग अलग सेक्टर्स को कौन से लॉ अप्लाई होते हैं, तो इसमें हमने छोटा सा एक चार्ट बनाया है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है, दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। तो ओवरऑल बच्चों आपको किताब काफ़ी समझ में आएगी, काफ़ी अच्छी लगेगी, ये पहली किताब थी। उसके बाद टैक्स की किताब है, हालांकि टैक्स सब्जेक्ट में पढ़ाता नहीं, मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट हमारी क्लास की काफ़ी अच्छी किताब है ये, हमारे सोपान सर इन्होंने किताब लिखी हुई है। तो पहली तो किताब है ये GST के ऊपर है और कस्टम के ऊपर है, तो ये किताब आप देख सकते हैं। दूसरी किताब जो है ये चार्ट बुक, ये पूरे इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, इसमें पूरे टेक्स्ट को हम लोगों ने चार्ट के फॉर्म में बनाया, तो आप एक बार देख सकते हैं, किताब भी पढ़ने के लिए बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही अच्छी किताब है। तो ये एक बुक है, ये भी आप देख सकते हैं। फिर टैक्स के डायरेक्ट टैक्स के मेन नोट्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं, हालांकि मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बट स्टिल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किताबें, आप देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन के ऊपर हमने काफ़ी फोकस किया है। उसके बाद जिगल जनरल ज्यूरिसप्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ, इसकी भी हमने काफ़ी कुछ अच्छी किताब बनाई है। और जैसा कि चैप्टर जैसे ही हम लोग ख़त्म करते हैं, तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जैसे कि ये अगर आप चैप्टर देखें तो ये CPC का चैप्टर है, तो इसमें ये CPC के चैप्टर में हमने जैसे समरी प्रोसीजर है, तो हमने ये बताया कि क्या होता है समरी प्रोसीजर्स। उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद इंपॉर्टेंट नोट्स हमने डाले। उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, जैसे कि आप देखें ये क्वेश्चन है, ये इसका स्टैंडर्ड आंसर है, ये आपको कैसे लिखना होता है ये हमने बताया। कोशिश की है कि लैंग्वेज काफ़ी आसान बनाई जाए, और हम लोग तो एक ही कंसेप्ट पे काम करते हैं, आपको पता है किस बोले तो कीप इट सिंपल स्टूपिड, तो हम लोग उसी कंसेप्ट पे काम करते हैं। तो नोट्स काफ़ी सिंपल बनाने की कोशिश की है। तो ये जिगल है, जैसे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन है। फिर पीछे के अगर आप चैप्टर देखें तो स्टैम्प एक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है हम लोगों ने, स्टैम्प एक्ट रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इनसे हम लोग कई बच्चे हैं ये चैप्टर छोड़ के जाते हैं और इंस्टीट्यूट यहीं से क्वेश्चन पूछ लेती है। फिर IT एक्ट के बारे में हमने काफ़ी कुछ लिखा है। उसके बाद हमारी मास्टर बुक आती है कंपनी लॉ की, सबसे हैवी बुक, अरे बाप रे इसका तो समझ में ही नहीं आता बच्चों, इतनी मोटी बुक है ये 465 पेज एंड प्लीज़ इसको हमने मॉड्यूल से बिल्कुल भी कहीं कॉपी वॉपी नहीं किया है, ईजी लैंग्वेज में हमने कोशिश की है कि पूरे चैप्टर्स हम कवर करें, काफ़ी वास्ट सिलेबस है जैसा कि आपको पता है इसका। सेक्शन वाइज बुक है,
थोड़ा सा हमने चैप्टर जो डायरेक्टर का है उसमें थोड़े से हमने सेक्शन ऊपर नीचे हैं बेसिकली, क्योंकि हम मॉड्यूल के कंसेप्ट से कहते हैं, सिर्फ डायरेक्टर चैप्टर में हमने ऐसा किया है, बाकी हमने हर एक चीज़ जो बनाई है, हर एक चीज़ जो हमने बनाई है वो पूरी हमने सेक्शन वाइज बनाई है, और हम कर रहे हैं काम कि डायरेक्टर चैप्टर को भी हम लोग क्या करें सेक्शन वाइज डाल दें। जैसे आप ये चैप्टर देखेंगे ऑडिट, तो सेक्शन 139, उसके बाद 140 होगा, 139 हालांकि अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है। उसके बाद अगर आप पीछे के चैप्टर देखें तो डायरेक्टर्स हैं, मीटिंग्स हैं, ये छोटे छोटे चैप्टर, ये सेक्शन 230 240। ओवरऑल कोशिश की है बच्चों हम लोगों ने अच्छी किताब बनाए, और आपको बहुत पसंद आएगी ये किताब। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें काइंड्स ऑफ कैपिटल सेक्शन 43, फिर सेक्शन 43 के हिसाब से दो टाइप की शेयर कैपिटल इक्विटी, फिर उसके अंदर 43 में रूल 4 भी है DVRs के ऊपर, तो हमने बताया कि DVRs क्या होते हैं, कंडीशन कौन कौन सी फुलफिल करनी होती है, फिर DVRs इश्यू करने की व्हाट इज़ द प्रोसीजर, फिर सेक्शन 45, सेक्शन 46, 48 पे आ गए। ओवरऑल बच्चों इसी प्रकार से हम लोगों ने किताब बनाई हुई है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आंसर हमने डाले हुए हैं। तो ये ग्रुप वन के लिए पूरा पैकेज हम लोगों ने बनाया है बच्चों, और जो बच्चे क्लास लगाई हुई है या फिर जो बच्चे सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बुक, उनके पास ये बुक्स होने बहुत अच्छी बात होगी अगर उनके पास ये किताब है। और यस ये बुक हम लोग, अगर आप ये चारों बुक्स ऑर्डर करते हैं तो वी वुड गिव यू अ वेरी गुड ऑफर। अगर इंडिविजुअली हम लोग एक बुक यहाँ पे 600 में बेचते हैं, बट येस अगर ये न्यू सिलेबस की बुक्स हैं, अगर आप पूरी बुक्स लेते हैं तो वील डेफिनेटली गिव यू ऑफर, और एक बुक पे भी हम आपको ऑफर देंगे। और आपको पेमेंट जो करनी है आपके घर पे कुरियर आएगी, हम लोग लिंक वगैरह नहीं भेजते क्योंकि लिंक वगैरह में बच्चे उतना पढ़ नहीं पाते ढंग से, तो फिजिकल कॉपी आपके घर पे आएगी। और पेटीएम कर सकते हैं आप 4x8 30 4x6, ये मेरा नंबर है, और पेटीएम करने के बाद आपने जस्ट अपना एड्रेस भेजना है, हम यहाँ से कुरियर करेंगे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, और आपको मेरे ख्याल से 3 दिन के अंदर किताबें मिल जाएंगी, ठीक है। तो और जो भी कुरियर का चार्जेस होगा वो हम आपसे एक्स्ट्रा लेंगे, बट नॉर्मली हम ये बुक 600 में बेचते हैं, अगर आप एक बुक लेंगे तो 500 में बेचेंगे प्लस कुरियर चार्जेस, और सारी बुक्स अगर आप चारों बुक्स एक साथ लेते हैं तो चारों बुक्स जो है वो आपको 1800 रुपीज़ में पड़ेगी बच्चों। तो प्लीज़ ये काफ़ी अच्छी किताबें हैं, और अगर आपको डेफिनेटली और ये सेलिंग वीडियो नहीं है, ये सिर्फ हेल्पिंग वीडियो है, अगर आपको ये किताबें अच्छी लगती हैं तो डेफिनेटली आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू।